सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है ताकि गरीब परिवारों को भी पक्का आवास बन सके, परंतु बहुत ही अफसोस की बात है कि वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के धरसौना गांव निवासी सुभाष सहित कुल 35 परिवारों का आज तक पक्का आवास नहीं बना है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में घर गिर गया, औरत मर गई, आज 15 साल हो गए हमको, दूठे बच्चा छोड़ छोड़ जिया रहे हैं, कुछ समय कुछ सुनवाई नहीं हुआ सरकार। अभी आपको घर नहीं है तो उससे आपको क्या तकलीफ होती है? ये तकलीफ है, घर द्वार बन जाता तो हम अपन केवाड़ी कुछ सामान वामान रख के हम जाते, जो पैसा कमाते हम को लाभ होता है कुछ। आपने कोई प्रयास किया था? वो पैसा सब लोग मांग रहे थे, पैसा है नहीं हम लोग के पास, 10-15 हज़ार कहाँ से पाएंगे हम लोग। समस्या कि हमारे घर ना हो, द्वार ना हो, 4 बच्चा हुआ, बरसात बुन्नी में धूप लगता है, यहाँ वहाँ घूमते हैं, बर्तन सारा बिखरा रहता है, ओकरे बाद पानी बरसा था तो चूहा लगला, कच्चा घर है मकान है, हमेशा गोबरी मट्टी लगाऊला तब भी गिर जाई हमेशा। सगड़ी चलाओ वाला आदमी कितना कमाई कितना जुटाई का करे, प्रधान से उनके कहले रही तो कहो कि आई तो दे। अब की जो प्रधान है इनके छोड़ के करे, पीछे वाला जो भी प्रधान रहना है, दोनों प्रधान के नीचे पास गल गल गए, वहाँ जाके कहल गल गए कि हमने की आवाज भाई रह के ठेकान डाल है ना, ऐसा ना कि अगर 10 हज़ार या 15 हज़ार अगर हो तो लिया के दे दा तो भाई पास करा दे, बदे को वहाँ पर दीदियों के देव के बोला सेक्रेटरी हैं जिसे इसी से सबके जोड़ ले गए, ब्लॉक के अंदर जितने लोग हैं ब्लॉक प्रमुख को देना होता है, ऐसे इसी से सबके बता ले गए, तो हमने के तो खाए के ठिकाना, तो हमने कहा इतना पैसा कर दे। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप चोलापुर वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-42-58 पे कॉल करके दबाव बनाए ताकि लोगों की समस्या दूर हो सके। मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।